हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन लिमिट्स। जो हमारा किलन सिस्टम है उसमें ऑपरेशन के लिए कुछ लिमिट्स होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, हम रेगुलर नए वीडियो नए लर्निंग के साथ में आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वो दबाइए, उसके पास में बेल आइकन है वो दबाइए। दोस्तों, ये एक बहुत पुराना फोटोज है, इसमें आप देखेंगे किलन कैसे बैंड कैसे लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा सा एक डेमो फोटो दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है इसको किलन को देखो घुमाने के लिए, जैसे कैसे रस्सी से घुमा रहे हैं वो सब। जो इधर ये फायरिंग करने के लिए आदमी कैसे खड़ा हुआ है, ये रस्सी से घुमा रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए हम एक ऑपरेशन लिमिट के ऊपर हमने एक बनाया है वीडियो, बहुत अच्छा कंटेंट है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलो करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट है किलन ओवरव्यू, क्या क्या टॉपिक इसमें हम इस जो सीरीज हमने चालू किया उसमें क्या क्या हम कवर करेंगे। किलन का टायर क्लियरेंस, जो हमारा अपना किलन शेल और किलन टायर के बीच में जो क्लियरेंस होता है, गैप होता है, हॉट एयर गैप, कोल्ड एयर गैप जिसको बोलते हैं, वो कितना होना चाहिए। शेल डिफॉर्मेशन, शेल डिफॉर्म होने के बाद में क्या प्रॉब्लम होगा। थर्मल लोड, ओवलिटी, ओवलिटी कितना होना चाहिए उसके ऊपर ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोज़ बना चुका हूँ, फिर भी अगेन हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं उसके ऊपर हम बनाएंगे। फटीग ऑफ किलन शेल, किलन शेल में क्रैक, ये जो ये एक्सेल क्रैक, ये रेडियल क्रैक, इन क्रैक्स के ऊपर में इसका क्या सॉल्यूशन है टेम्प्रेरी, वो भी हम इसमें बात करेंगे। किरण एक्सिस अलाइनमेंट, किरण अलाइंड एसेट अप डाउन है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कितना मैक्सिमम स्ट्रेस किरण ले सकती है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक्सेल इंक्लिनेशन, जो इंक्लिनेशन है उस कितना होना चाहिए, स्क्यू होना चाहिए वो रोलर, वो कितना होना चाहिए उसके ऊपर भी। किरण का क्रैंक, गर्द गियर के बारे में हम बात करेंगे और रोलर शाफ्ट बेंडिंग के ऊपर भी हम बात करेंगे, जो हमारा रोलर का शाफ्ट का बेंडिंग है एंड जो वो कितना बेंडिंग स्ट्रेस कितना होना चाहिए उसके ऊपर में भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि हमारा ये क्या है किरण में कंप्रेशन, यानी कि यहाँ यहाँ पे फोर्स दबाने के लग रहा है, यहाँ पे टेंशन है, इधर में टेंशन आ रहा है और इधर में कंप्रेशन आ रहा है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ वेट, वेट की वजह से पूरा परमानेंट ऐसे डिफॉर्म हो गया है। किरण बेंड्स बिकॉज ऑफ ऑन वेट, उसके खुद के वेट की वजह से किरण बेंड होता है। अभी ये है देखो स्ट्रेस कैलकुलेशन, इसमें कितना लिमिट हमको दिया गया है, लिमिट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। हमारा क्या है फर्स्ट जो केस है पायर टू में 8 एमएम, हमारे जो बेंडिंग स्ट्रेस है 8 एमएम आ रहा है तो उसकी वजह से आपका हो रहा है। इसमें आपका देखेंगे आप तो 34 समथिंग आ रहा है आपका, 33.27 से ये 33.27 ये न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है। तो हमको ये हमारा नॉमिनल 25 होना चाहिए, तो हमने इसको अलाइन किया किलन को, 8 एमएम आउट था ये किलन, उसको अलाइन किया किलन को और हमारा 21.414 आ गया है। किलन अलाइनमेंट के ऊपर में किलन के जो कंडीशन मॉनिटरिंग के वीडियो हैं मेरे, उसमें आप देख सकते हैं। और अगर आपको उसमें नहीं मिल रहा है तो कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। जैसे इसमें कि मिस अलाइनमेंट था, 8 एमएम तक था फिर 5 एमएम था, तो उसमें बेंडिंग स्ट्रेस कितना आ रहा था, 33 न्यूटन मीटर स्क्वायर, स्टेशन वन स्टेशन टू इस पे इसका वेट शो कर रहा है। फिर अलाइनमेंट किया बिलो 5 एमएम किया तो हमारा स्ट्रेस आ गया 21 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इसको हमने अलाइन करके इसको कर सकते हैं। तो इसमें हमारे को ऑपरेशन लिमिट हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम हमको एक तो कंडीशन मॉनिटरिंग में क्या है कि हम क्या चीज़ हमको मेजर करना चाहिए और उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें अगर हमको मालूम है तो हम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, हमको आइडिया होना चाहिए। तो ये इसके आइडिया के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। थ्योरी हमको समझ में आएगी तो हम थ्योरी को हम प्रैक्टिकल में अप्लाई कर सकते हैं, तो वही हमारा एक मेरा एक मेन मकसद है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ क्रैक्स, सर्कमफ्रेंशियल नॉर्मल इन ट्रांजिशन वेल्स बिटवीन टू डिफरेंट सेल्स थिकनेस, जो हमारा वेल्डिंग है वहाँ से वहाँ पे क्रैक होता है, ठीक है, ये इसका मीनिंग फर्स्ट लाइन का। रिस्क ऑफ क्रैक्स इंक्रीज बाय मिस अलाइनमेंट ऑफ द किलन एक्सिस, जो किलन का एक्सिस है उसका मिस अलाइनमेंट हो सकता है।
किलन सेल टेम्परेचर, किलन का जो सेल टेम्परेचर बहुत हाई साइड होगा तो उसमें प्रॉब्लम, सेल थिकनेस रिड्यूस, एग्जाम्पल ड्यू जो किलन सेल का थिकनेस है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया है, जो ऑप्टिमम है उससे कम हो गया तो उसमें प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल मिनिमम 20 mm, सपोज 20 से नीचे जाएगा तो उसमें आपका सेल थिकनेस कम हो गया। एब्रप्ट एंड बिग स्टेप्स इन सेल थिकनेस, सेल थिकनेस में बिग स्टेप्स कैसे हैं कि जैसे कि एक जगह पे 20 mm है, दूसरी जगह पे 12 mm है, ऑलमोस्ट 8 mm का गैप है दोनों की जगह, स्टेप्स हो रहा है उसकी जगह से, उसकी वजह से स्टेप हो रहा है 8 mm का, तो वो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम करेगा। इनसफिशियंट क्वालिटी इन वेल्डिंग, जो वेल्डिंग किया है उसका क्वालिटी ठीक नहीं है तो भी प्रॉब्लम आएगा, जो ये वेल्डिंग किया हुआ है उसका क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगा। उसमें क्या होगा, दो सेल को अगर ज्वाइंट करने के लिए क्या होना करना पड़ेगा, आपको इस टाइप से वी ग्रू देना पड़ेगा, डबल वी ग्रू, डबल वी ग्रू, और अंदर की जो इनसाइड है उसमें कम रहेगा वी और आउटसाइड में ज़्यादा वी रहेगा उसके, उसमें हम रूट मार के दोनों तरफ से वेल्डिंग करना है उसको, फिर ग्राइंडिंग करना है वो सारा, बहुत सारा उसमें जिसमें वो, जिसके लिए हम डबल टू वेल्डिंग राड यूज़ कर सकते हैं, LNT का, सॉरी 7018 वेल्डिंग राड यूज़ करते हैं, डबल टू भी हम टायर को रिपेयर वगैरह करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, LNT का जो क्लीन का टायर है उसमें क्रैक आ जाएगा तो उसको रिपेयर करने के लिए वो कर सकते हैं, 7018 वेल्डिंग रॉड हम इसके लिए यूज़ करते हैं, 3 mm, 3 mm, 4 mm का वेल्डिंग रॉड, जो रूट एम रूट मारने के लिए 3 mm, 2 mm उसको मार यूज़ करके फिर उसके बाद में हम फुल वेल्डिंग 4 mm से करेंगे। तो वो चीज़ है, उसको एक उसका एक प्रोसीजर रहेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो इनसे क्वालिटी वेल्डिंग क्वालिटी अच्छा नहीं है तो भी उसमें प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट है, सर्कमफ्रेंशियल क्रैक्स आर क्रिटिकल एंड नीडेड टू बी रिपेयर्ड इमिडिएटली, जो सर्कमफ्रेंशियल क्रैक है वो क्रिटिकल है, उनको इमिडिएटली रिपेयर करना जरूरी है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं रिलेटिव ओवलिटी, रिलेटिव मोमेंट, रिलेटिव मोमेंट क्या है कि जैसे इसको क्या ओवलिटी, रिलेटिव मोमेंट, इसको क्रिप, माइग्रेशन, अलग अलग नाम से अलग अलग जगह जैसे हम जानते हैं, तो रिलेटिव मोमेंट क्या, क्रिप माइग्रेशन दोनों उसको बोल सकते हैं, वो 10 to 15 mm पर रिवोल्यूशन होना चाहिए। अब रिलेटिव मोमेंट क्या होता है कि आप किलन का OD सपोज 4.1 है, ठीक है, और टायर का ID सपोज 4.5 है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कोई करेक्ट वैल्यू नहीं है, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, तो इसमें क्या 0.4 mm का दोनों में डिफरेंस है, जो एस आ रहा है वो 0.4 mm है, ओके, ये एस जो दिखा रहा है वो 0.4 mm है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप उसको करेक्ट नहीं माना क्योंकि ये गैप 10 to 15 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट ये 40 mm में दिखा रहा हूँ जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए, नहीं तो इसको 4.2 कर लेते हैं, 4.25 कर लेते हैं, तो 1.5 mm, 15 mm रहेगा, 15 mm रहेगा एस, ओके, एस जो 15 mm है, तो क्या है कि ये भी एक घूम रहा है, ये भी एक घूम रहा है, जो जिसका डाया ज़्यादा है वो ज़्यादा घूमेगा, एक नेचुरल है, इसका डाया कम है तो ये कम घूमेगा और ये ज़्यादा घूमेगा, तो उससे क्या, एक रिवोल्यूशन में 10 से 15 mm ज़्यादा ये टायर घूमेगा और 10 से 15 mm कम सेल घूमेगा, तो उसको जो डिफरेंस रहेगा उसको हम क्रिप बोलते हैं। ये क्या है, हॉट जोन में 15 होना चाहिए और कोल्ड जोन में 10, और स्मॉलर डायमीटर के लिए, हॉट जोन और कोल्ड जोन कैसे कि हमारा जो बर्नर है उस साइड से हम देखेंगे तो टायर 1, टायर 2, टायर 3, तो हॉट जोन से फर्स्ट वाला है वो, सॉरी बर्नर से जो बर्नर की साइड से जो फर्स्ट है, कूलर की तरफ से जो फर्स्ट टायर है वो हॉट जोन में आएगा, उसके बाद में मिडल वाला है वो ना तो ज़्यादा हॉट में जो कोल्ड में मिडल जोन में आएगा, और जो जो टॉप में रहेगा वो कोल्ड जोन में आएगा, तो उस केस में हमको फर्स्ट और सेकंड दोनों जगह पे 15 mm तक रखना चाहिए और लास्ट वाले में 10 mm चलेगा। द रिलेटिव मोमेंट शैल नेवर एक्जीड 30 mm रिवोल्यूशन पर रिवोल्यूशन, जो हमारा क्रिप है वो 30 mm पर रिवोल्यूशन से कभी भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि हम जो इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में हम वर्क कर रहे हैं, हमारे पास में क्या है कि नॉर्मल कोल और पेटकोक दोनों हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा किलन सपोज नॉर्मल कोल के लिए डिज़ाइन है, नॉर्मल कोल के लिए बनाया गया है, बट हम क्या है उसको कभी पेटकोक का प्राइस डाउन हो रहा है तो पेटकोक खरीद के उसमें पेटकोक से कर रहे हैं, क्योंकि
आज की तारीख में कॉस्ट इज इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग। हमारा कॉस्ट ही एक मेजर फैक्टर है इंडस्ट्री के लिए, ग्रोथ के लिए। तो उस कॉस्ट को मिनिमम कम करने के लिए हम पेटकोक यूज़ कर रहे थे। अब तो पेटकोक में क्या होता है, सल्फर ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से किरण के अंदर में से जो रिफैक्ट्री वहाँ पे कोटिंग है वो ज़्यादा बनेगी। कोटिंग ज़्यादा बनेगी तो क्या है कि आउटर में टेम्परेचर थर्मल कंडक्शन है वो कम होगा, और उसकी वजह से आउटर सेल टेम्परेचर डाउन रहेगा। सेल टेम्परेचर डाउन रहेगा तो उसका सेल का एक्सपेंशन भी कम होगा नॉर्मल कोल के केस, सॉरी पेटकोक के केस में। तो पेटकोक हम यूज़ करें तो उसकी वजह से क्या, सेल का थर्मल एक्सपेंशन कम होगा तो ये गैप है वो बढ़ जाएगा। वो गैप बढ़ेगा तो आपका जो क्रीप जो माइग्रेशन जो भी आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो बढ़ेगा। और हमारा अभी क्या पेटकोक का प्राइस बहुत हाई हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, अगेन इंडस्ट्री नॉर्मल कोल यूज़ कर रही। नॉर्मल कोल यूज़ करने के टाइम में क्या है कि उसमें सल्फर कम रहता है और उसमें सिलिका ज़्यादा रहता है नॉर्मल कोल में। तो सिलिका क्या होती है कि कोटिंग को कट करती है, कोटिंग को ख़त्म करती है, कोटिंग को खा जाती है एक तरह से ऐसा बोलेंगे। तो आपका जो कोटिंग है इतना सा रह जाएगा, सपोज अभी इतना था पेटकॉक में, इसमें इतना रह जाएगा, तो क्या थर्मल एक्सपांस कंडक्शन बढ़ेगा और क्या है कि सेल का आउटर टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे ही सेल का आउटर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें थर्मल एक्सपांशन भी बढ़ेगा, तो जो एस की वैल्यू है वो डाउन कम हो जाएगी। एस की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपका जो रेवोल्यूशन है वो भी डाउन ट्रेंड पकड़ लेगा। तो एक थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, तो उसको हम देखते हुए हमको ऑप्टिमम रेंज में हमको चलना चाहिए, और ये हमको 30 से ज़्यादा ना हो पहुँचे उसके लिए हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर ये सेल टेम्परेचर 10 और 25 20 तक चल रहा है तो उसको एक रेंजिंग में हम उसको कर सकते हैं। उसकी वजह से हमारा क्या है कि उसकी अगर हमारा ओवोलेटिव बढ़ेगा, रिलेटिव मूवमेंट बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये डिटेल में हम बात कर किए हैं। लूज ब्रिक्स जहाँ दिखाई गई, यहाँ पे क्या है क्रिप की वजह से लूज होगी ब्रिक्स, और ब्रिक्स गिरने की चांसेस रहते हैं। किलन ओवोलेटी, ओवोलेटी कितना होना चाहिए, हाई ओवोलेटी रिड्यूस सस्टेनेबिलिटी द ब्रिक्स लाइफ टाइम, जो हमारा ब्रिक्स का लाइफ टाइम है उसको कम कर देगा। ज़्यादा ओवोलेटी क्या है कि आप उसका भी एक रीज़न रहेगा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर करूंगा। इफ द वैल्यू इज अबव द रिकमेंडेड रेंज सीमिंग इज रिक्वायर्ड, और जो रिकमेंडेड रेंज से उससे ज़्यादा है तो उसमें सीमिंग करना ज़रूरी है। हमारा जो चेयर प्लेट रहेगा, इसमें चेयर प्लेट्स हैं, ये चेयर प्लेट्स इसके नीचे सीम लगाते हैं, तो उसको हम देखना है। ये आपको एक अच्छा सा चार्ट ग्राफ में मैंने समझाया आपको लेके। ये आपका किलन का डायमीटर है और ये परसेंटेज में है ओवोलेटी। अगर आपको ये याद नहीं रह रहा है तो सिंपल है, जो डाया है उसके आगे एक पॉइंट लगा दो, उसके आगे जीरो लगा दो और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। सपोज 4 मीटर डाया का है तो 0.4% आपसे ज़्यादा आपका किलन सेल का ओवोलेटी नहीं होना चाहिए। अभी कैसे कैसे देखेंगे आप, ये 4 है, 4 से ऊपर जाएंगे और ये रिकमेंडेड वैल्यू में कितना आ रहा है, ये देखो 4, ये क्या है 4 से 5 और 4 से थोड़ा 3.8 तक भी इसमें है। तो हम क्या करना है, सीधा सीधा आँख मीच के उसका जो डायमीटर है उसके आगे पॉइंट लगा के, जीरो लगा के, 0 पॉइंट लगा के परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर देंगे। ये टॉम टूल से हम मेज़र करते हैं, टॉम टूल अभी लेटेस्ट वर्जन है उससे हम मेज़र करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 का देखा, 5 से हम ऊपर गए और इधर आए, तो क्या ये 4 से ऊपर पे भी है, रिकमेंडेड वैल्यू है, 6 के ऊपर भी है। तो हम क्या है, अभी हमको हर हर वक्त तो चार्ट हमको याद नहीं रहेगा, तो हमको सीधा सीधा उसका सिंपल कैलकुलेशन मैंने आपको क्या बताया, 0.5% दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा गया है तो हमको उसमें एक्शन लेना है। ये रिकमेंडेशन उसको समझ लो। अभी 6 है तो 6 पे भी अब जाएंगे तो 6 पे वो आ रहा है 0.6 वाला, 7 पे जा रहे हैं तो 7 वाला भी आ रहा है। क्या वो उससे प्लस माइनस रहेगा, अगर थोड़ा सा अप जाएगा तो भी हमको टेंशन नहीं, थोड़ा सा डाउन में रहेगा तो भी टेंशन, उसके रेंज में आ गया तो हमको उसमें एक्शन लेना ज़रूरी है, सिमिंग उसमें ज़रूरी है। सिम का कैलकुलेशन के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप जाएंगे तो सिम का कैलकुलेशन कैसा रहेगा वो उसमें आप देखेंगे। तो आपका रहेगा
अभी कितना रिवोल्यूशन चल रहा है, सपोज 30 चल रहा है, एवरेज रिवोल्यूशन 30 चल रहा है, माइनस हमको कितना चाहिए, 15 चाहिए, उसका डिवाइड बाय में पाई डी, उसका फॉर्मूला है, आप उसको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, उससे आपको थिकनेस, सिम का थिकनेस आ जाएगा कितना रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो 30 माइनस 15, तो 15 डिवाइड बाई कितना, 4 mm का 4 मीटर डाया है तो आपका क्या है, 3.14 × π d है 4 मीटर, तो आप ऑलमोस्ट करेंगे 4 15 डिवाइड बाई उसको, तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा कि कितना क्या है। ओके, इससे आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कैसे क्या करना है। ये एक जस्ट एक एग्जांपल दिया है मैंने, ये एक फॉर्मूला है, इससे आप कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी इसका कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओएलटी मेजरमेंट करने के लिए फिलिप्स किरण सर्विस का है, आपको ये दो इक्विपमेंट फिलिप्स किरण सर्विस का है, ये टॉम टूल का है, इसका डायमेंशन वगैरह इसमें दिया गया है, इसमें कैसे मेजर करते हैं टॉम टूल्स के ऊपर, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना, टॉम टूल के ऊपर ऑलरेडी मैं कंडीशन मॉनिटरिंग की सीरीज है उसमें आप देख सकते हैं, ये ऑपरेशन लिमिट के ऊपर बना रहा हूँ उसमें। तो ओएलटी क्या है, ये टॉप में डिफॉर्म दिख रहा है, आप यहाँ देखेंगे तो डिफॉर्म दिख रहा है, ये सेल टायर के वहाँ आने की वजह से क्या है, अभी हमारा क्या है, ओएलटी ज़्यादा हो गई और या क्रिप ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, जब ट्रॉलर के नीचे यहाँ गया तो ऐसे धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो क्या, ब्रिक्स हिलेगी, ब्रिक्स क्या है इस टाइप से सेट के अंदर सेट लगाया हुआ है, तो वो क्या है, उसको फिर एक फोर्स लगेगा, रिपीटेटिव फोर्स लगेगा, तो उसकी वजह से क्या है, फटीग फोर्स लगेगा, तो उसकी वजह से फोर्स, फटीग फोर्स का रीजन एक ही रिजल्ट है, टूटना, कि कहीं पे भी लग रहा है रिपीटेटिव फोर्स, फ्री फटीग फोर्स लग रहा है तो वो डैमेज करेगा, तो ये एक, ये देखो उसमें हमारा जो क्रीप अगर माइग्रेशन कम हो जाएगा तो इसकी वजह से इसे ब्रिक्स बेंड हो जाएगी। टू थिक सीम कैन लॉक द टायर सेल कंस्ट्रक्शन, हमारा क्या सीम ज़्यादा लगा दिया और क्रिप हमारा कम हो गया, हमने 10 to 15 mm हमारा जैसे कि रिवोल्यूशन 0 0 हो गया, तो ये आपको इस ऐसा डेंजरस सिचुएशन करके आपका ब्रिक्स गिर जाएगी, अगर हमारा टू थिन थिक सीम इंक्रीज द ओएलटी ब्रिक फेलियर, और हमारा रिवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से क्या ब्रिक्स टूट टूट के गिरेगी, जो लास्ट में बताया था ना, यहाँ पे ऐसे आएगी फोर्स मारेगा तो गिरने का टूटने का चांस है, ये वाला उसमें है कंडीशन, और ये वाले में दबा के गिरेगी, ये दोनों सिचुएशन मेजरली आती है, तो इन दोनों के ऊपर में हमको वर्क करना है। हम क्या है, क्रैक्स लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स ये देखेंगे, आप क्रैक्स दिखाए गए हैं इसमें शेल के, तो नॉर्मली अंडर ए टायर विथ स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द टायर फ्लेक्सेशन ब्लॉक्स, जो ये हमारा टायर के जो फ्लेक्सेशन ब्लॉक जो उसको हम चेयर प्लेट्स बोलते हैं, उसके बाद से स्टार्ट होता है, रिस्क ऑफ क्रैक्स इन इज इंक्रीज बाय हाई ओवलिटी, ओवलिटी की वजह से भी आपका रिस्क, क्रैक का रिस्क इंक्रीज हो, स्टब थिक टायर फिक्सेशन ब्लॉक वेल्डेड इनटू इनटू द शेल, जो ये फिक्स्ड है वो ज़्यादा टायर है, ज़्यादा थिक है, उसकी वजह से भी आपका माइग्रेशन कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम, लॉन्गिट्यूडनल वेल्स और नॉच नियर ए टायर, जो ये नॉच है उसके ऊपर भी है, किरण शेल टेम्परेचर की वजह से भी प्रॉब्लम आएगा। हम लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स हैव ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द रिफेक्ट्री, जो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक है वो उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ेगा आपका रिफेक्ट्री पे, सेल विथ हाई ओवलिटी ब्रिक्स लूजन लूजनिंग एरिया और ब्रिक्स पिंचिंग पॉइंट्स, यहाँ दब रहा है यहाँ लूज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या, क्रैक सेल विथ हाई ओवलिटी, क्रैक इन शेल वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रिक पिचिंग, ब्रिक्स को पिच कर रहा है वो ज़्यादा है, यहाँ इतना गैप दिख रहा है, इतना गैप है अलग अलग पॉइंट्स, तो उसकी वजह से क्या आपको ब्रिक्स फेलियर का ज़्यादा चांसेस रहे, उसकी वजह से आपका क्रैक्स भी डेवलप होगा। इसमें हमको दो टाइप्स के क्रैक दिखाए गए हैं, एक सरकमफेरेंशियल क्रैक और एक लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक, सरकमफेरेंशियल क्रैक क्या है, द लॉन्गर द क्रैक ग्रोस द हायर आर द स्ट्रेसेस, ये रेड कलर का दिखाया गया है इसमें, इसमें रेड कलर, यहाँ पे भी ये आपका रेड कलर, इसमें लेंथ के हिसाब से आपका
बढ़ेगा, गेट अनस्टेबल, उसकी वजह से क्या ना अनस्टेबल हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक्स में क्या है, ऐसे लेंथ में क्रैक आएगा तो उसकी लॉन्गर क्रैक फ्रॉम द टायर सेंटर द लोअर आर स्ट्रेसेस सेल्फ स्टॉपिंग, उसकी वजह से आपका किरण खुद से बंद हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, उसकी वजह से सेल्फ बंद हो जाएगा किरण। तो एक है इसमें, इस केस में इमरजेंसी में हम क्या करेंगे, दोनों केस हमारे सामने आ गए, फेलियर हो गया, इमरजेंसी में प्लान चलाना है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि आपको प्लान चलाना है कैसे भी, जब तक अनटिल द न्यू सेल पीस इज अवेलेबल एंड कैन बी इंस्टॉल। मैनेजमेंट बोल रहा है कि जब तक नया सेल नहीं आ जाता है तब तक हमको चलाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेनफोर्समेंट ऑफ कोरोडेड और वॉर्न सेल, इसमें क्या है स्टिफनर लगा देने हैं, उसको वेल्डिंग कर देने हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स, ये स्टिफनर्स लगा के इसको हम वेल्ड करके चला सकते हैं। परमानेंट सोल्यूशन, दिस इज आर इमरजेंसी एंड नो परमानेंट सोल्यूशंस, दे आर कंसिडर्ड टू ऑपरेट द किलन अंटिल द सेल न्यू सेल पीस इज अवेलेबल एंड कैन बी इंस्टॉल्ड। ये एक सिचुएशन है, ये कंडीशन है, आपको एक रियल फोटोज भी मैं आपको दिखाता हूँ, मिला था कहीं से, तो ये रियल फोटोज है, इसमें आप क्रैक डेवलप हो गए थे, तो उसको वेल्डिंग करके ये डाल के इसको स्टेबल करके चला रहे हैं किलन को। तो रेनफोर्समेंट ऑफ कॉर्डेड सेल सेक्शन अंटिल न्यू सेल पीसेस इज अवेलेबल, इस केस में इसको ऐसे करके रिपेयर करके चला सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हम जो ऑपरेशन लिमिट्स की जो सीरीज है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए नए लर्निंग के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।